नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक SME IPO रिद्धि कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद में है और इसके रजिस्ट्रार्स होंगे पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। इस कंपनी का IPO 12 जून 2017 को खुलेगा और 15 जून 2017 को बंद होगा। ये एक फिक्स प्राइस SME IPO है। कंपनी ने इसका प्राइस ₹130 पर शेयर रखा है। ₹10 की फेस वैल्यू है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1000 शेयर है। 130000 रुपये की मिनिमम एप्लीकेशन लगानी होगी और इसकी लिस्टिंग BSE के SME प्लेटफॉर्म पर होगी। कंपनी 950000 शेयर इशू करेगी, जिससे 12,35,00,000 रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें से 50,000 शेयर मार्केट मेकर्स के लिए रिजर्व हैं और बाकी के 9,00,000 शेयर इंडियन पब्लिक के लिए है। उसमें से भी 50% जो है वो रिटेल पोर्शन के लिए रिजर्व है और 50% नॉन रिटेल पोर्शन के लिए। इस कंपनी की स्थापना 9 अक्टूबर 2010 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी। 1 सितंबर 2016 को ये पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई। यह एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और इसका जो बिजनेस है वो सर्विस बिजनेस है। ये प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को कॉन्टैक्ट सेंटर, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन, क्रेडिट वेरिफिकेशन फॉर टेलीकॉम, बैंकिंग, NBFC और IT सेक्टर। इस कंपनी के पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स की लिस्ट है। टेलीकम्युनिकेशन में वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, रिलायंस जियो, टाटा डोकोमो, MTS, BSNL और एयरसेल। बैंकिंग में एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कालूपुर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कर्णावती बैंक। NBFC में हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा कैपिटल लिमिटेड, इंडिया बुल्स होम लोन, मुथूत फाइनेंस, फुलर्टन इंडिया, हीरो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड LNT फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे नाम हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर में कोटक लाइफ इंश्योरेंस, ये सब इनके अच्छे क्लाइंट्स हैं। इस कंपनी की 10 ब्रांचेज हैं इंडिया में, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और त्रिशूर, और इनकी एक ब्रांच कनाडा में भी है। इस कंपनी के 3 प्रमोटर्स हैं, मिस्टर प्रवीण चंद्र गौड़, मिस्टर अल्पित गौड़ और जयाश्री बेन पी गौर। इनके पास जो भी इनकी होल्डिंग है वो आपके सामने है और इनकी एवरेज कॉस्ट पर शेयर की केवल 4 पैसे है, क्योंकि इस कंपनी ने ओरिजिनली सिर्फ 10,000 शेयर इशू करे थे 1 अक्टूबर 2010 को, वो भी मेमोरेंडम के लिए, ₹10 का शेयर एट पार में। उसके बाद कंपनी ने कोई भी फर्दर कैपिटल इशू नहीं करी है। सिर्फ एक बोनस इशू कंपनी का आया था 21 जून 2016 को और वो भी एक शेयर के बदले में 229 शेयर का बोनस आया था, जिससे इन लोगों की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट केवल 4 पैसे पर शेयर रह गई है। कंपनी के फाइनेंशियल पर नज़र डालते हैं। 2016-17 के 9 महीने में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो है, नेट रेवेन्यू, वो 44,54,00,000 रुपए था। टोटल एक्सपेंसेस 41,72,00,000 रुपए और प्रॉफिट 1,92,00,000 रुपए। बेसिक अर्निंग पर शेयर ₹11.14 थी, जो कि एनालाइज्ड बेसिस पर है। और पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वो भी लगभग ठीक हैं, कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू 4 लिखे हैं। पहला है एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पज और चौथा है मीटिंग पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। अब इस कंपनी के नेट एसेट वैल्यू पर शेयर पर आते हैं। 31 मार्च 2016 को कंपनी की नेट एसेट वैल्यू पर शेयर की थी ₹10 वाले ₹34.38, 31 दिसंबर 2016 को ₹42.73 और कंपनी ये ₹130 में ये शेयर इशू कर रही है। पीयर ग्रुप कंपैरिजन अगर हम करें
रिद्धि कॉरपोरेट सर्विस के साथ में, तो तीन कंपनियां इन्होंने लिखा है अपने प्रोस्पेक्टस में, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी और एरान लिमिटेड। इन सब के फेस वैल्यू शेयर्स की 10-10 रुपये हैं। बेसिक अर्निंग पर शेयर रिद्धि कॉरपोरेट सर्विसेज की सबसे ज़्यादा है 13.56 रुपये। पीई रेशो सबसे अच्छी देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज़्यादा रिद्धि कॉरपोरेट सर्विसेज की है और NAV सबसे अच्छी देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है और सेल भी इन्फोबीम टेक्नोलॉजी की ज़्यादा अच्छी है। सारी कंपनी बिल्कुल ठीक चल रही हैं इस वाले फील्ड में। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारा व्यू है इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी की सबसे बड़ी ख़राबी है कि इस कंपनी ने सर्विस टैक्स 2012-13 से लेकर अब तक नहीं दिया है, जिसकी पूरी अमाउंट 7.69 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी के पास नेट सरप्लस जो बुक्स में है वो 7.52 करोड़ रुपए है एज ऑन 31 दिसंबर 2016 को, तो ये सारा वाइप आउट हो जाएगा इसके कारण। इसके अलावा इंटरेस्ट, पिनल इंटरेस्ट और पेनल्टीज एक्स्ट्रा हैं। इस कंपनी ने कभी आज तक कोई डिविडेंड नहीं दिया पिछले 5 सालों में, और इस कंपनी ने जो बोनस इशू करा है 229:1, ये बहुत ख़राब बोनस है। केवल प्रमोटर्स ने अपना भला चाहा है, इस कंपनी को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर YouTube चैनल आशा वेल्थ। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि कोई भी अगर नई वीडियो आएंगी तो हम आपको फौरन उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। और अभी तो इस जून के महीने में काफ़ी इशू आने वाले हैं, जैसे CDSL हो गया, AU फाइनेंसर्स और कई इशू आने वाले हैं, एरिस लाइफ साइंसेस, तो इन सब के वीडियो हम अपलोड करेंगे और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।